हेलो एवरीवन, फिन स्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां पर लोग बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग के साथ बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डिस्कशन हमारा जो होने वाला है, हम लोग प्रीवियस डे स्टॉक यानी जो 15 जून को हमने स्टॉक्स पर ट्रेड लिया था, उससे स्टॉक का पहले डिस्कशन करेंगे परफॉर्मेंस की। बाद में फ्रेशली आज जो 16 जून के लिए स्टॉक्स रिकमेंडेड हैं, उनके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉसेस के साथ डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम आ जाते हैं इस पेज पे जो कल हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ था स्टॉक्स का नाम। पहला हमारा स्टॉक्स था टाटा मोटर्स, टारगेट हमारा था 361, एंट्री लेवल 357 प्लस पे बताया था। आते हैं टाटा मोटर्स पे, देखते हैं क्या हमें एंट्री मिलती है। 357 प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाली जो कैंडल यहाँ बन रही है 357 प्लस के आसपास की, देख सकते हो 15/6 का डेट है, 357 प्लस यहाँ कहीं होता है, आप यहाँ पे एंट्री लेते हो। और अगर बात करें यहाँ पे टारगेट की, तो टारगेट आपको पता 360 का पहला टारगेट, आपको टाइमिंग के साथ बता देता हूँ, एक सेकंड कब स्किप होता है। T1 और T2 क्या था, T2 भी शायद आया होगा कितना, 365 का, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर 365 आए, देखिए कितना है 360 नहीं, तो टारगेट वन की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे 360 का लेवल अचीव होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये रेसिस्टेंस था बहुत बड़ा वाला, रिवर्स कर जाता है स्टॉक, ठीक है। तो हमें यहाँ पे T1 मिल गया, T1 अचीव्ड, टारगेट वन हमने जो है वो पा लिया। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो सेकंड स्टॉक था, सेकंड स्टॉक हमारा था इंडसइंड बैंक, गजब का स्टॉक, 1035 पहला टारगेट, 245 दूसरा टारगेट। बात करें यहाँ पर अगर एंट्री लेवल की, तो 1027 का मैंने बताया था आपको एंट्री लेवल, 1027.5। बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं आप, 1027.5 यानी 1027 के आसपास के लेवल ये रहा, इससे नीचे ही कहीं है, यहाँ कहीं आपको मैं बताना चाहूँ, 1027 का लेवल ये है, इसके आसपास है। यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है, पहला टारगेट यहाँ पे हमारे शायद लगभग दोनों टारगेट हिट होता है, मैं आपको जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, तो 1035 और 1045। बात करें यहाँ पे, हाँ देख सकते हो आपको यहाँ कहीं 1035 टारगेट अचीव हुआ है। इधर अगर आप छोड़ भी देते स्टॉक तो T1 पे तो एग्जिट ही एग्जिट करते, अगर छोड़ देते कुछ भी डिसीजन नहीं लेते बाद में, तो आप T1 पे एग्जिट आराम से करते, ठीक है। बात करें यहाँ पे T2 की, तो T2 यहाँ कहीं T2 से भी जब बड़ा मोमेंटम आ चुका था, तो आप यहाँ पे दोनों टारगेट आपके अचीव हो रहे थे, तो यहाँ पे हमारे दो टारगेट अचीव हुए। बात करेंगे थर्ड स्टॉक की, थर्ड स्टॉक जो हमारा यहाँ पे है इन्फोसिस। इन्फोसिस ये मैं बता सकता हूँ आपको कि लक वाइज किसी से छूट गया होगा, ट्रेड भी नहीं ले पाया होगा, और अगर लिया होगा तो उसे लक की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर लक फैक्टर काम किया है। बात करें यहाँ पे एंट्री लेवल जो मैंने आपको बताया था, एंट्री लेवल यहाँ पे था 1467 प्लस। बात करें यहाँ पे ओपनिंग की, बात करें 1467 प्लस, देखिए स्टॉक और नीचे रिवर्सल भी था। अगर बात मानूं यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड मिलने के ज़्यादातर चांसेस थे, बट नेगेटिव ट्रेड अगर कोई लेता तो वो फंसता है यहाँ पे 1467 प्लस यहाँ कहीं होता है, ओपनिंग कैंडल ही होती है यहाँ कहीं 1467 प्लस। अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आपको एग्जैक्टली मैं बताऊँ T1 कहाँ पे था, 1474 यहाँ पे T1 अचीव हुआ है, बट बहुत ही छोटे क्वांटिटी का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट मान सकते हो या पर थोड़ा मोटा प्रॉफिट मान सकते हो। इस स्टॉक को मैं अवॉइड ही कर देता हूँ, ठीक है, मान के चलता हूँ यहाँ पे हमारा लॉस हुआ, ठीक है। तो हमने पहले स्टॉक्स में T1 अचीव, दूसरे स्टॉक में T1 T2 अचीव, और थर्ड स्टॉक में स्टॉप लॉस लेट से, ठीक है। अगर इन दोनों को क्रॉस ओवर कर दे फिर भी हमारे दो टारगेट अचीव हुए हैं, और बहुत अच्छा ये सक्सेस रेशियो हमारा मान सकते हैं, यहाँ पे T1.5 हमें मिला है, ठीक है, 1.5 पॉइंट का हमें यहाँ पे जो है मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की बात होगी, अब बात करें आज के स्टॉक्स की। आज के स्टॉक्स की बात करने के लिए मैं आपको सीधे लेके आ चुका हूँ यहाँ पर अपने पेज पे, और आपको मैं बताना चाहूँगा पहला स्टॉक वहीं रहेगा इंडसइंड बैंक हमारा। यहाँ पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस चेंज हो चुके हैं, 1048 का टारगेट वन, 1055 का टारगेट टू, 1024 का स्टॉप लॉस वन, 1017 का स्टॉप लॉस टू। बात करें यहाँ पर अगला स्टॉक हमारा हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत अच्छे लेवल पे आके खड़ा है। बात करें यहाँ पे 2268 का पहला टारगेट, 2283 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस की बात करें तो 2238, स्टॉप लॉस टू की बात करें तो 2225, और एक लास्ट में पॉइंट बताऊंगा वो भी बिना समझे नहीं जाइएगा। बात करें ग्रासिम इंडस्ट्रीज की, ग्रासिम इंडस्ट्रीज हमारा अगला स्टॉक टारगेट वन 1510, टारगेट टू 1521, स्टॉप लॉस की बात करें 1485, स्टॉप लॉस टू की बात करें 1480। एंट्री लेवल समझ लीजिए अच्छे से, 1038 के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड है, 1032 के नीचे नेगेटिव ट्रेड,
अगर हो सके, अगर इन दोनों पॉइंट पे कुछ भी अगर नहीं मिलता आपको, ट्रेड अवॉइड कर दीजिए, पैसा आपका बचा रहेगा, लॉस होने से बच तो सकता है। ये चीजें मैं आपको बताता हूँ डेली, आप लोग पता नहीं ध्यान दिया कीजिए इन सब बातों पे। 2254 के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड, 2250 के नीचे या 2248 के नीचे नेगेटिव ट्रेड। 2248 इसे मान लीजिए, 2248 12248, बिकॉज कई लोग हैं जो एग्जैक्टली वही टारगेट, और मेरी बात को पूरा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए मैं बहुत प्रिकॉशियस होता हूँ। ग्रासिम इंडस्ट्रीज 1502 के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड, 1495 के नीचे नेगेटिव ट्रेड। बीच का पॉइंट आता है, अवॉइड कीजिएगा, बीच का पॉइंट है, अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, अब हमें प्रिकॉशन क्या लेना है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन होने, नेगेटिव होने के आज ओपनिंग होने चांसेस है, बहुत ज्यादा गैप डाउन होता है, वहां पे ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा थोड़े देर के लिए, जब तक पूरा ट्रेडिंग सेंटिमेंट नॉर्मल ना हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब खैर, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।